5 o'clock. हेलो जी अपनी जिंदगी का आखिरी देख रहे हो सूरज आज आखिरी सनराइज देख लिया आपने अभी खिलाते हैं इसे खाना अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खाने लगाए तो पानी भी पिलाते हैं इसे बस अभी 5 हो गए और इंशाल्लाह 2 घंटे बाद आप बाय हो जाओगे इसे कन वाले साफ करते हैं चलो जी तैयार कोई बनने के लिए बड़ा मज़ा आया आपके साथ और सुनाओ रात को नजाई चुड़ियाँ वगैरह चले गए इसे खाना खिलाते हैं भी फिर ऐसे आके वापस आके नमाज भी कब्रिस्तान गए हैं वहाँ से वापस आके नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद अभी नमाज पढ़ने और उसके बाद आपको खाना खाएंगे उसके बाद दिखाएंगे अभी आपको दुआ खुद ही करेंगे काफ़ी के साइए सर तो दुआ खुद करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको चलिए जी शुरू करते हैं आज ईद भी है सब पहले तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और आप सब जो है ना कुछ जो भी कोई वर्णिंग जाना जबा कर रही हैं उसका गोश्त जो है ना अपने ईद की जो भी ज़रूरतमंद लोगों ने बांटे और मैं अमीर को तो आपकी अच्छी गुजरी होगी क्योंकि जब आप ब्लॉग देखेंगे तब आपकी तकलीफ गुजर गई होगी मैं अमीर को तो अच्छी गुजरी होगी अच्छी गुजर रही होगी तो चलते हैं कि आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आज को सुबह करेंगे अभी जी हम नमाज पढ़ के आ गए हैं और ये मैंने कपड़े पहन लिए हैं अभी हम कसाई के रूप में आ गए हैं अफजल यही है क्योंकि कुर्बानी का मकसद ये होता है कि जिस किसी से आप इतना प्यार करते हैं उसको अपने हाथों से कुर्बान करें तो आज जो कुर्बानी है वो मैं खुद करूँगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि الحمد अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि الحمد अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इट्स टाइम टू ड्राई द मीट कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला ला इट्स टाइम टू कट मीट इनटू पीसेस वला नअबुदु इल्ला इय्याहु مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله It's drink break. أكبر الله أكبر ولله الحمد It's time to wake the meat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
It's almost 15 kg. ये जगह finally restore हो गई है, जगह साफ कर दी है। यहाँ भी कोई पहले बैग बंदा हुआ था, ये सारा सफाई का भी गोश्त सब पीस कर दिए, सब साफ हो गया, पत्ते वत्ते सब बन हुआ है, फेंक दिया। ये बात तेरी बची है, और अभी जो पानी आता है वो भी काफ़ी खराब हुई है। अभी ये पानी आता तो थोड़ा सा पानी फेंका, गर्मी बहुत है, तो अभी अंदर जो गोश्त के अंदर पीस डुबे वगैरह कर दिए, अंदर उसके हिस्से बांधे, अभी कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं और फिर इसके हिस्से ले के आने, पहले कपड़े चेंज करते हैं फिर जाएंगे जी देने अभी इससे, तो वो दिखाएंगे अभी आपको। चलते हैं गोश्त बांधने, चलते हैं पहले कपड़े चेंज करते हैं फिर जाएंगे गोश्त बांधने, तो चलते हैं। चलिए जी अभी चेंज कर लिए कपड़े, अभी चलते हैं देने गोश्त वाले पानी, चलते हैं सारे हिस्से पर बांधेंगे, अभी जाना है गोश्त बांधने। तो ये बाइक खड़ा है हमारा यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं फिर। आप लोगों को तो मुझे नहीं पता लेकिन जो हमारे ख़ानदान है वो तकरीबन पूरे पिंडी में फैला हुआ है, कुछ जो मुख्तलिफ जगह पे हमारे ख़ानदान के कुछ कुछ लोग रहते हैं, साथ तीन चार लोग, कुछ लोग रहते सिक्स रोड, पहले हम डबल रोड गए वहाँ से सिक्स रोड, फिर सदकाबाद, ये हम सदकाबाद में अभी, फिर वहाँ से जी हम गए कमेटी चौक, इस तरह हम डबल रोड से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो कमेटी चौक जाकर ख़त्म हुआ, और इस तरह गोश्त भागने के चक्कर में हमने पूरा पिंडी फेर लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गोश्त मांगते मांगते हमारी जो है ना काफ़ी जो गर्मी भी लगी थी और प्यास भी काफ़ी लगी थी और काफ़ी थक भी गया था और भूख भी लगी हुई थी, इसलिए फिर वापसी में मैं नान ले आया क्योंकि गर्मी कलेजी पकी थी। और पहले तो आके मैंने जो है ना पंखा लगाया और उसके नीचे जा कर ना मैं बैठ गया, पहले 4-5 मिनट थोड़ी रेस्ट की, उसके बाद कलेजी पकी हुई थी वो मंगवाई अम्मी से, और फिर किया जी पहले खाना खाया। अभी जी थोड़ी जी रेस्ट करने के बाद और खाना खाने के बाद अभी तकरीबन 4 हो गए हैं और मैं बैठ गया हूँ जी अभी कंप्यूटर पे व्लॉग करने के, ताकि डाल सकूँ आप देख सकें। आज ईद का दिन है, काफ़ी थका हूँ लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग किया है गेट ताकि मैं डालूँ और आप देखें। और मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपकी अच्छी गुजरी होगी और आगे भी अच्छी गुजरेगी जो तय की है। ठीक है जी, व्लॉग को देखें, अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जो भी आप कुर्बानी किया है उस गोश्त में मसकीन और गुरबा को लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।